बीडी शर्मा ही जेल भिजवाएगा मेरे प्रकरण में ही। अभी बयान देना बाकी है दिग्विजय सिंह जी, जल्दी जेल जाओगे। कहीं कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अरे चिंता मत करो, 3 तारीख जल्दी आ रही है दिग्विजय सिंह जी, बीडी शर्मा के केस में ही जेल जाओगे। ये केवल नाटक है, केवल नाटक है, केवल। अरे हमने पूरी जांच की मांग की है, CID हो, CBI भी हो, जो भी जांच हो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उस मृतक भाई की मौत कैसे हुई ये इनको करना पड़ेगा। देखिए केंद्रीय नेता क्यों संज्ञान में नहीं लेंगे, 35 लोगों के खिलाफ 302 के मर्डर किया भाई यार, ये सामान्य घटना है। कार्यकर्ता उसके लिए जी जान लड़ा देंगे। प्रशासन की लापरवाही है, दबाव में काम किया है, गुंडिज्म हुआ है। अपराधी और गुंडों को संरक्षण, और जो सामान्य कार्यकर्ता है उनके ऊपर 302 की FIR। तो ये केंद्र भी संज्ञान में लिया है और बाकी लोगों ने भी संज्ञान में लिया है, इसमें से किसी को भी नहीं बख्शेंगे। नेतृत्व ने संज्ञान लिया है, किस तरह का पूरा घटनाक्रम था आप देखिए। राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राण घातक हमला, कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा ने अपने आपराधिक प्रवृत्ति के और खुद लोगों पर प्राण घातक हमला किया, और उसके बाद उल्टा योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई, मेरा आरोप है ये। और उसके बाद चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर 302 की FIR। गाड़ी के नीचे दबने के बाद 302 कैसे लगती है और किसकी गाड़ी से दबे, और चुनाव पर बूथों पर कब्जे किए गए, ये आज हमने प्रशासन से मिलकर के, कल हमने इलेक्शन कमीशन से भी हमने बात की है, DGP को हमने डेलीगेशन मिला है, आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अभी DIG को भी हम मिल रहे हैं। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए, हत्या का प्रकरण दर्ज कैसे हुआ सर, प्रदेश में भी कई, और इस दिशा में हमने गंभीरता से बात की, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की है, एक पक्ष को प्रभावित उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई जिन्होंने प्राणघात हमला किया। भाई एक धारा में तो FIR होती, और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने के लिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी नाती राजा से बात हुई, कुछ नहीं हुआ, सामान्य तौर पर बहस हुई, और उसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज होता है, हो जाता है, और दिग्विजय सिंह यहाँ करके न्यूसेंस करते हैं बिना कानून को तोड़ करके, बिना परमिशन लिए, आचार संहिता में रात में धरना कैसे दिया, यहाँ के कांग्रेस के विधायक धमकी दे रहे हैं, गुंडिज्म कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन ने दिग्विजय सिंह और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी भी हमने कंप्लेंट की है, और हम इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं। ये वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया, मेरी मृतक के प्रति संवेदनाएं, मैं उस मुस्लिम भाई के प्रति संवेदनाएं रखता हूं, लेकिन मैं तो उनके परिवार को भी कहना चाहता हूं कि गहराई में जाइए, आपके परिवार के व्यक्ति की हत्या किसने की है, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। 3:30-4 बजे की घटना और 6 बजे पुलिस इन्फॉर्मेशन जाती है, और कमलनाथ कहते हैं कुछ नहीं हुआ नाती राजा से बात करने के बाद, और उसके बाद हत्या का प्रकरण बन जाता है। ये योजनाबद्ध तरीके से नाती राजा उनके लोगों ने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की है, और हत्या करने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है, इसकी कड़ी से कड़ी जांच की मांग हमने की है। कमलनाथ ने खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।